कुदरत का करिश्मा। एक माँ के दो बच्चे, एक सफेद और एक काला। चौंकिए नहीं, ये बच्चे एक गाय को हुए हैं। लोग इसे कुदरत का करिश्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बच्चा गाय का है जबकि दूसरा बच्चा भैंस का। गाय के बच्चों में ये फर्क खुद गाय ही समझ रही है, इसीलिए वो भैंस के बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही। आप भी देखिए इस कुदरत के करिश्मे को। कुदरत के करिश्मे की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दिल्ली के रजोकरी गांव में एक गाय को दो बछड़े हुए। एक बछड़ा गाय का है जबकि दूसरा भैंस का। पहले सफेद रंग का ये बछड़ा हुआ, उसके आधे घंटे बाद ये काले रंग का। गाय के मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि काले रंग वाला जो बछड़ा है वो भैंस का बछड़ा है और ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। वहीं गाय भी इन बच्चों में मतभेद रखती है। वो सफेद वाले बच्चे को दूध तो पिलाती है लेकिन काले बच्चे को नहीं पिलाती। देखिए तस्वीरों में गाय सफेद बछड़े को अपने पास आने दे रही है जबकि काले बछड़े को थोड़ा सहलाने के बाद उसे भगा देती है। गाय का बच्चा बचपन से ही चंचल होता है जबकि भैंस का बच्चा शांत होता है। दोनों बछड़ों में ये लक्षण भी साफ देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल गाय का मालिक इस भैंस के बच्चे को अलग से दूध पिलाकर पाल रहा है। जुड़वा बच्चा दिया एक भैंसी का एक गाय का। क्या लगता है किस तरीके से अभी तक तो यानी कि जुड़वा बच्चे तो नहीं देते थे जानवर जो गाय तो दिया था? अच्छा, अभी दिया तो जंगल में दिया था। अच्छा, शमशान के पीछे अधिक आश्रम के। अच्छा, तो एक गाय है और एक भैंस का बच्चा। एक भैंस का बच्चा। कब दिया इन्होंने? वैसे परसों दिया था 5 बजे शाम के। अच्छा, तो तब से इसे गाय दोनों को दूध पिला रही है? नहीं, एक एक पिलाती है, एक एक ऊपर से पिलाता है। अच्छा, भैंस के लिए वो थोड़ा सा वो होती है। हाँ, भैंसी के लिए दिक्कत होता है उसको। अच्छा, वो पहचान नहीं पा रही है। हाँ। लेकिन दोनों उस समय वहीं एक ही जगह मिले थे? हाँ, एक ही जगह भी आते हुए मिला आधा घंटा का। अगर पहले तो बछड़ा हुआ था, बाद में बच्चे कटिया हुआ। नहीं, पहले भैंस का बच्चा हुआ था? नहीं, गाय का। अच्छा, पहले गाय का हुआ था। हाँ। उसके बाद भैंसी का, भैंस का बच्चा हुआ था। तब दोनों को आप पाल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, दोनों। कुदरत के इस करिश्मे के पीछे सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। गाय को जुड़वा बछड़े होने की बात अक्सर सुनी जाती है लेकिन इस तरह एक गाय का बछड़ा और दूसरा भैंस का बछड़ा, आखिर ये कैसे हुआ? तो जनाब, ये कुदरत का करिश्मा है, इसे कुदरत पर ही छोड़ देते हैं।